Hey guys, welcome back. कैसे हैं आप सब? तो घर पे काम कर करके हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है. अब घर पे काम करके स्किन कैसे खराब होती है वो भी बताती हूँ. दोस्तों जब भी हम डस्टिंग करते हैं, वही जब भी लाइक हम अपने घर में कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं तो स्किन के ऊपर बहुत पसीना आता है और पसीने को हम इसी तरह से पोंछ लेते हैं. वो जो बैक्टीरिया हमारे हाथों पे लगे होते हैं, गंदगी हमारे हाथों पे लगी होती है, वो अटैक करती है हमारे स्किन के ऊपर, जिससे स्किन के ऊपर बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, एक्ने एंड पिंपल्स हो जाते हैं. सो दोस्तों उसी तरह से जब भी आपके चेहरे पर पसीना आए तो हमेशा ध्यान रखें कि आपने पसीने को पोंछना नहीं है, स्पेशली अपने हाथों से बिल्कुल नहीं क्लीन करना है. आपने उस पसीने को किसी कपड़े से, हैंकी से, रुमाल से, नैपकिन से, उसी से ही क्लीन करना है. हाथों को बार बार वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपने हाथों को पता नहीं दिन में कितनी बार अपने फेस से टच करते हैं. तो जरूर ध्यान में दीजिए कि आपके हाथ हमेशा क्लीन होने चाहिए, बहुत ही ज्यादा क्लीन होने चाहिए. तो घर का काम ना एक और है, वो क्या है, हाउसवाइफ जो है या फिर जब भी वक्त मिलता है तो हम टीवी के आगे जरूर देखते हैं, अपने रिमोट को हमेशा बटन के साथ क्लिक करते रहते हैं और रिमोट को पता नहीं कितनी बार हम हाथ लगाते हैं, कितनी बार छूते हैं, कितनी बार गिराते हैं, राइट, और कितनी बार और लोग भी उसको छूते हैं. बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे रिमोट के ऊपर लगे होते हैं और उसी रिमोट को जब हम क्लिक करते हैं उसके बाद अपने स्किन पे उसी हाथों को अपनी स्किन के ऊपर टच करते हैं तो बहुत सारी इन्फेक्शन का कारण बन जाता है, जिससे एक्ने, पिंपल्स, झुर्रियां, डार्क सर्कल्स, ये सब होना शुरू हो जाता है. तो याद रखें कि आप अपनी नींद पूरी जरूर लें, टीवी को कम देखा कीजिए, हाथों को क्लीन रखें और सन टैन से हमेशा बच के रहें. छाता लेकर जाएं, मुंह ढक के जाएं और जो सनस्क्रीन लोशन है उसे जरूर अप्लाई करें. तो आज का DIY भी देख लेते हैं किस तरह से हम अपनी स्किन को नेचुरल तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. इस रेमेडी के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे आधा चम्मच ले रही हूँ काओलिन क्ले, जिसे चाइना क्ले भी कहा जाता है. इस काओलिन क्ले की मदद से हमारी स्किन के ओपन पोर्स ग्लो होते हैं, स्किन वाइट एंड ब्राइट होती है, लाइटन होती है, चेहरे के ऊपर जो दाग धब्बे हैं वो ख़त्म होते हैं. और जो दूसरा मैं ले रही हूँ, आधा चम्मच मैं यहाँ पे ले रही हूँ, आधा चम्मच दोस्तों मैंने लिया है ऑरेंज पिल पाउडर. ऑरेंज पिल पाउडर की मदद से हमारे चेहरे पर आधा एक्ने, पिंपल्स, पल्पने लग जाते हैं वो नहीं होते. इसकी मदद से पिंपल्स के बाद जो दाग धब्बा हमारे चेहरे पर रह जाता है उसे ख़त्म करता है, हमारी स्किन को टाइट एंड ब्राइट करने में बहुत मदद करता है. ये दोनों चीज़ें स्किन को ब्राइट करने के लिए बहुत ज़्यादा मानी जाती हैं. अगर आप इस काओलिन क्ले और इस ऑरेंज पिल पाउडर को लेना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा. एंड इसके अलावा ऑरेंज पिल पाउडर को आप घर पे भी बना सकते हैं. तीसरा इंग्रेडिएंट है दोस्तों हनी, यानी कि शहद. स्किन को सप्पल करने में ये बहुत मदद करता है. ये मैंने लिया है सिर्फ और सिर्फ 1/4 चम्मच. हनी की मदद से स्किन टाइट होती है, ब्राइट होती है, सप्पल होती है, सूध होती है, ड्राइनेस ख़त्म होती है. और इसके अलावा पसीने की वजह से जो हमारे चेहरे पर पिंपल आ जाते हैं उन्हें रिलैक्स करने में भी हनी बहुत हेल्प करता है. अब मैं ये रेमेडी बनाऊंगी कैसे वो बताती हूँ. अब मैं इसके अंदर डालूंगी खट्टा दही. 1 चम्मच खट्टा दही हमने डालना है और हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे ताकि इसका पेस्ट जो है वो प्रॉपरली बन पाए. तो सभी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिला लेना है. रेमेडी के अंदर, DIY के अंदर, कोई भी इस नुस्खे के अंदर गाँठे नहीं होनी चाहिए. ये बहुत ही स्मूद एंड बहुत ही सॉफ्ट सा पेस्ट आपने बनाना है ताकि आपकी स्किन के ऊपर अच्छी तरह से ये बन जाए, लग जाए, और आपने इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है. आप इसे वीक में 2 बार कर सकते हैं. अगर 1 बार भी करेंगे तो भी पूरा हफ्ता आपका जो चेहरा है वो इसी तरह से चमकता दमकता रहेगा. अगर 1 महीने तक कंटिन्यू आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो स्किन पर रैशेस कभी नहीं होंगे, स्किन के ऊपर जो एजिंग साइन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे. आपको पता है ना काओलिन क्ले में बहुत टाइम से यूज़ करती हूँ, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारी स्किन के लिए, तो ये बहुत बढ़िया मानी जाती है. वैसे तो आप मुल्तानी मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा इफेक्ट चाहिए आपको, ज़्यादा अच्छा असर चाहिए चेहरे के ऊपर, तो आप काओलिन क्ले का इस्तेमाल करें. ये आपको शायद नियर अबाउट जो आपके नियर शॉप्स वगैरह हैं तो वहाँ पे आपको ना मिले तो आप ऑनलाइन इसे ज़रूर खरीद के रखें, क्योंकि ये एक्चुअली में मेरी फेवरेट है. इसने मुझे मुल्तानी मिट्टी भुला दी है, क्योंकि पहले मैं मुल्तानी मिट्टी बहुत यूज़ करती थी, लेकिन जब से काओलिन क्ले मैं यूज़ करना शुरू किया है मैं मुल्तानी मिट्टी बहुत कम यूज़ करती हूँ. तो ये देखिए हमारा रेमेडी जो है, हमारा नुस्खा जो है वो कुछ इस तरीके का बनेगा. आपने इसे अपने चेहरे पर अप्लाई कर लेना है और सुखाने के लिए छोड़ देना है. कम से कम 10-15 मिनट लगेंगे. उसके बाद आपने
अपने चेहरे को डैप डैप करते हुए वॉश कर लेना है। देखिएगा आपके स्किन के ऊपर कितना अच्छा ग्लो आता है, स्किन के दाग धब्बे लाइटन हो जाएंगे, स्किन बहुत क्लियर हो जाएगी, स्पॉटलेस हो जाएगी। ग्लास स्किन चाहिए तो इसका इस्तेमाल जरूर करें। सो एवरीवन, आई होप आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अब मिलूंगी नए वीडियो के साथ और नए DIY के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।